गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। और एक्चुअली मेरा नया नेचुरल है तो मुझे समझ में आ रहा था मैं क्या बोलूं। तो आई होप आप सब ठीक होंगे अपनी सब अपनी 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 लाइफ में। और आप सभी का स्वागत मैं दोबारा बोलती हूँ मेरे सेवन सिस्टर्स चैनल पे। और मैं अभी जा रही हूँ अपने बेटे के पास, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था वो हमारे किसी रिलेटिव के यहाँ है, तो मैं उसके क्लास बुक्स वगैरह जो पेंडिंग थे वो मैं कल नहीं करा पाई थी, तो आज मैं कराने जा रही हूँ। तो मैं आज स्कूटी में जाऊँगी क्योंकि हस्बैंड जा रहे कहीं और। आप देख सकते हैं मेरी स्कूटी का यह मिरर टूटा हुआ है, तो मैंने अभी तक इसको नहीं लगवाया है, एक मेरी आरएस की निशानी। तो मैं मिलती हूँ आपको वहाँ। वो वसंत विहार में रहते हैं वैसे तो। काफी काटते अपने आप को, फिर काट। इसको खुजली होती होगी ना शायद। टफी टफी खुजली टफी टफी को बीवी चाहिए, बीवी चाहिए। मालूम कितना रह गया? यहाँ से जूम करके देखती हूँ तेरे फोन में जैसे सौरभ देख रहा था वीडियो में जल्दी करो कौन अच्छा जैस्मिन वाला टूटेगी क्या नाम है तारुण्या क्यों मेरे घर तो कॉलेज क्यों नहीं आई आज मैंने बोला यार सॉरी थी मन नहीं किया तो यार हाँ कर ले तो रात भर बात पे मैंने सीन ही नहीं किया उसका घर से मेरे कल तो बात भी नहीं हुई तूने बताया था कि हम लोग बात करते हैं किया था देख ले हमको भगा के घर में किया था रुक जा अरे यही भेज अच्छा जब हम कल रात को जा रहे थे नहीं किया था बता वीडियो में बता अरे नहीं किया कल तो देख फेस छुपा रही है अरे कल नहीं किया कल से ओए बेबी जब हम जा रहे थे ना तब तूने किया था इडली कैसे बना मैंने अच्छा अच्छा तीखा फिर भी चटनी थोड़ा ये चटनी चबा लो साथ में हो जाएगा तीखा हरी मिर्ची टमाटर भी डाला है क्या इसमें आपने वीडियो नहीं दिया रात का मैं तो रिकवर करूंगी इसको मैंने ना डिलीट मार दिया था एक्चुअली मेरे को डिलीट वाले सेक्शन में जाके इसको रिकवरी करना पड़ेगा चूचू कान चूचू चूचू कान चूचू ये आलू खा रही है क्या वीडियो बना हाँ नंदिनी को दिखाएंगे शाम को कितनी बड़ी हो गई ना 10 रुपए की थी ये ओए 10 रुपए की मुर्गी सस्ती मुर्गी सौरभ खाना ढूंढ रहा है भूख लग गई चूचू गंदा रखते थे हम लोग देखो पूंछ पूंछ में टट्टी लगा हुआ हाँ। मेरे पास सब इतना गंदा था कुछ छत में रखते होंगे शायद सौरभ को मीट नहीं मिल रहा दीदी ये रही मीट सौरभ इसको ऊपर का जो इसको ऊपर का जो लाल लाल है वो कितना बड़ा नहीं हो गया झुक रहा है पूरा ऐसे मत कर सौरभ जब इधर वो ढसेगी ना तब पता चलेगा तो गाइस जस्ट मैं अभी घर में पहुंची हूँ और मेरे बाल पूरे चिपक गए मैंने कैप पहन के रखा हुआ था और अभी जस्ट मैं घर में पहुंची हूँ आज पूरा दिन मैं वहीं पे थी क्योंकि वो हमारे बहुत क्लोज है मेरा बेटा जहाँ पे है और वहाँ मैं बैठ जाती हूँ तो बैठ ही जाती हूँ दिन का खाना भी मैंने वहीं किया शाम का जो चाय वाय थी मैंने भी वो भी वहीं पे किया और अभी जस्ट मैं पहुंची अभी मैं तैयारी करूँगी रात के खाने की और आज का पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा गया उनसे बातें करके हमने बहुत सारे गप्पेबाजी मारी
और चलो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो गाइस मैंने अभी खाना वाना चढ़ा दिया है और ये कल रात को हम मेरे हस्बैंड ने मतलब चाउमीन बनाई थी। ये हम लोग मैं जैसे आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा था, हम सियार पार गए थे तो वहाँ से लाए थे। थोड़ा पतला पतला वाला है ये, तो इसको चाव बोलते हैं, चाव CHOW चाव। ये इसको हम चाउमीन भी बोलते हैं, वैसे चाव भी चाव बोलते हैं वहाँ के लोग। एंड ये मैंने रात की सब्जी के लिए मैंने फ़िश, गोभी एंड आलू थोड़ी बंगाली स्टाइल में बनाई, क्योंकि बंगाली लोग फ़िश के साथ आलू भी बना देते हैं, गोभी भी बना देते हैं। हम जिनके घर जाते हैं, जो हमारी फैमिली की तरह, मैं जिनके बारे में बताती हूँ, वो लोग बंगाली है, तो उन्हीं से थोड़ा बहुत देखा मैंने, तो मैंने वही बना दिया आज। और ये मैंने थोड़े लोगों को खाना चढ़ा दिया है, चढ़ाऊँगी मैं अभी। और मैं सोच रही हूँ थोड़ा स्प्रिंग ऑनियन भी मैं फ्राई कर लूँगी, तो देखती हूँ आगे क्या बनाऊँगी, देखती हूँ क्या फाइनल ही है। मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ यार हर बार। गाइस आप प्लीज़ इग्नोर करना, मुझे समझ में नहीं आता मुझे क्या बोलना है क्या नहीं, मैं जो भी आता मैं बोल देती हूँ। स्प्रिंग ऑनियन मैं फ्राई करूँगी एंड फिर चावल होगा उसके साथ, तो ये तरी वाली है ही सब्जी। फिर मैं कोई चटनी बना दूँगी, देखो मेरे चटनी का बर्तन, ये इसमें मैं चटनी बनाती हूँ। ये हमारे नॉर्थ ईस्ट गाइस इग्नोर करना, मैंने ऐसे रखा हुआ था। ये हमारे यहाँ पे ये एल्यूमिनियम के होते हैं, ये स्पेशली मिर्ची कूटने के लिए होता है ये। एंड इसी में हम चटनी बना देते हैं, इसी में मिर्ची कूट के और टमाटर की चटनी बना दो, टमाटर जला के इसी में डाल दो और ये होता है। और कूटते हम किससे मैं दिखाती हूँ, उसकी डंडी थी मेरे पास, डंडी थी क्या है ये रहा, ये है इसकी डंडी, ये देखो हमारे नॉर्थ ईस्ट में इससे कूटते हैं, ऐसे कूटते हैं इससे। देखो मेरा पानी गर्म हो गया, ऑफ करती हूँ, चलो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो गाइस तो आज का व्लॉग बस यहीं तक था, आज मैं ज़्यादा मतलब नहीं बना पाई, तो आई होप आप सभी को मेरा व्लॉग पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है। चलो मैं मिलती हूँ आप सभी को अपने अगले व्लॉग में, बाय।